नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बिराद, देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। मूसेवाले को विधायक, मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले को अंतिम यात्रा शुरू हो गई। मानसा जिले के मूसा गांव स्थित उनके खेत में ही उन्हें मुख अग्नि दी जाएगी। अंतिम यात्रा के लिए मां ने आज आखिरी बार बेटे के बाल सवार पिता ने पगड़ी पहनाए। ताबूत में लिटाए गए बेटे को माँ पिता एक टक निहारते रहे, ये देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। मानसा के सिविल हॉस्पिटल में सोमवार को उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम किया गया, तो मंगलवार सुबह उनका शव परिवार को सौंप दिया गया। फिलहाल घर पर उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। वहां उनका प्रशंसकों की भारी भीड़ है। ज्ञानवापी के वीडियो फोटो लीक। वाराणसी के ज्ञानवापी केस की सर्वे रिपोर्ट के फोटो वीडियो भी लीक हो गए। इसे लेकर मुकदमे की वादी हिंदू पक्ष और प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष ने बड़ी साजिश की आशंका जताई। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिला कोर्ट से उन्हें मिले लिफाफे सील हैं। ऐसे में वीडियो फोटो का लीक होना एक बड़ा सवाल। हिंदू पक्ष जिले जज की कोर्ट पहुंचे, सील बंद चारों लिफाफे वापस करके फोटो वीडियो लीक होने की जांच की मांग की है। इस अदालत ने सुनवाई के लिए 4 जुलाई की डेट दी है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन गिरफ्तार। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। करप्शन और हवाला मामले में जैन के खिलाफ जांच चल रही। इस मामले में कोलकाता की कंपनी में जुड़ा बताया जा रहा है। सत्येंद्र को अरविंद केजरीवाल का करीबी माना। सत्येंद्र को कल यानी मंगलवार 31 मई को दोपहर 2 बजे राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी के अफसर कोर्ट से जैन को रिमांड पर देने की मांग करेंगे। संत सीचेवाल और सानी ने नामांकन भरा। मशहूर पर्यावरण प्रेमी पद्मश्री संत बलबीर सिंह सीचेवाल और समाज सेवी पद्मश्री विक्रमजीत सानी ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। उन्हें आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा कैंडिडेट बनाया गया है। इस मौके पर उनके साथ पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा और कुलदीप सिंह धालीवाल भी मौजूद रहे। संत सीचेवाल और सानी का राज्यसभा पहुंचना तय है। पंजाब में आप के पास 117 में से 52 विधायक हैं। इस वजह में अभी तक किसी के उनके विरोध में नामांकन नहीं किया गया है। पीएम रैली रोड शो के दौरान शिमला का हाल। पीएम रैली रोड शो में दौरान शिमला का हाल। मोदी मोदी और मोदी आज ये नारा। लोग हाथों में कमल का फूल और भाजपा के झंडे लिए रिज की ओर पैदल बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। शिमला में उनका रोड शो और जनसभा होनी है, इसलिए पीएम को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए प्रदेश भर में लोग शिमला पहुंच रहे हैं। शहर में गाड़ियों को पार्क करने के लिए 3 जोन बनाए गए हैं। ऐसे में लोगों को लगभग 3 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ा। नाटी डालते हुए, नारे लगाते हुए लोग रिज मैदान पहुंच रहे हैं। कार्ट रोड और सुबह ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक पुलिस ने एक तरफ से ट्रैफिक चलाया, दूसरी तरफ से ट्रैफिक बंद किया, लेकिन इसका असर रैली में आने वाले लोगों पर नहीं पड़ रहा, क्योंकि रैली में आने वाले लोग पहले ही अपनी गाड़ियों को पार्क कर चुके हैं, वह पैदल ही आ रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा विधायक के बिगड़े बोल। कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के एस ईश्वर अप्पा विधावित बयान देकर एक बार फिर चर्चा में आ रहे। ईश्वर अप्पा ने सोमवार को कहा है, इसमें कोई शक नहीं है, आरएसएस का झंडा एक दिन राष्ट्र ध्वज बनेगा। उन्होंने कहा है कि भगवा बलिदान का प्रतीक है, हजारों साल से लोगों के मन पर भगवा के प्रति सम्मान है, इसलिए केसरिया झंडे के सामने आरएसएस प्रार्थना करता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के एस ईश्वर अप्पा ने पहले ही कई बार भगवा झंडे को लेकर बयान दे चुके हैं। कुछ समय पहले ही ईश्वर अप्पा ने कहा था कि भविष्य में तिरंगे की जगह भगवा झंडा ले सकते हैं। आने वाले समय में लाल किले में भगवा झंडा फहराया जाएगा। बिजली विभाग के 3 कर्मचारी नौकरी से बर्खास्त। भगाई, लापरवाही और भ्रष्टाचार पर बिजली विभाग में कार्रवाई का सिलसिला जारी है। सोमवार को लंबे समय से गायब रहने वाले राज्य विद्युत उत्पादन निगम के 3 कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब उनकी सेवा पूरी तरह से समाप्त हो गई है। पिछले 3 दिन में 4 लोगों को विभाग में नौकरी को बर्खास्त किया जा चुका है। विभाग के जिन कर्मचारियों को बर्खास्त, उसमें एक TZ2 पद पर तैनात प्रदीप कुमार और श्रमिक पद पर तैनात रजन लाल और संतोष कुमार शामिल। ये कर्मचारी पनकी और ओबारा पावर प्लांट में तैनात है। चेयरमैन के एक देवराज ने बताया है कि अनुपस्थिति चल रही है, दूसरे कर्मचारी पर भी कार्रवाई होगी और पूरे प्रदेश के स्तर पर रिपोर्ट तैयार करके करने को बोल दिया गया है। गाजियाबाद में प्रेमिका का हमलावर गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में प्रेमिका को चाकू से गोदने वाला मयंक नामक शख्स को पुलिस ने मंगलवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में कबूला है कि वह प्रेमिका पर शादी करने के लिए दबाव बना रहा था और वह अभी पढ़ाई जारी रहने की बात कहकर शादी से इनकार कर रही थी। इसमें सुप्त होगा प्रेमी और खंडहर
पड़े रेलवे क्वार्टर में ले गया और चाकू से वार कर दिया। फिलहाल घायल लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है, उसका उपचार दिल्ली के जीटीबी हॉस्पिटल के आईसीयू में चल रहा है। गुजरात को चैंपियन बनाने वाले 5 खिलाड़ी आईपीएल 15 के फाइनल में राजस्थान को हराकर गुजरात टाइटंस अपने डेब्यू सीजन में चैंपियन बन गए। राजस्थान के बाद अपने पहले सीजन में भी ट्रॉफी जीतने वाले गुजरात दूसरी टीम बनी। अब राजस्थान ने 2008 में ट्रॉफी जीती थी, उसने टूर्नामेंट की सबसे कमजोर टीम माना जा रहा था। उसने एक के बाद धुरंधरों को जैसे धराशायी किया, ऐसे में कुछ गुजरात ने इस साल किया। सम्राट पृथ्वीराज अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन में बिजी हैं। इस सिलसिले में वह हाल में ही काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने गंगा आरती भी की। अक्षय के साथ फिल्म में अपना डेब्यू कर रही पूर्व मिस वर्ल्ड मानसी छिल्लर और डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रप्रकाश त्रिवेदी भी हैं। एक्ट्रेस ने अपने इस यात्रा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। यदि सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।